अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमें क्लच बॉक्स के जो इंटरनल लूजनेस होती है उसको यहाँ पर खत्म करना है इस स्प्रिंग की मदद से। काफी सा बाइक चलने के बाद आपकी जो बाइक के क्लच बॉक्स के अंदर स्प्रिंग लगा होता है वो वहाँ पर लूज हो जाता है, जिससे जो आपकी क्लच बॉक्स की परफॉर्मेंस होती है वो काफी ज्यादा लो हो जाती है। तो इससे होता क्या कि आपकी जो बाइक का क्लच है वो सही तरीके से काम नहीं करता, सुबह जाके बाइक वो स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करती है, यानी कि किक जो होती है वो हार्ड लगती है। अगर आप उसको क्लच को लूज करें तो होता क्या कि गियर लगाने पर बाइक है वो फिर भी आगे जाती है। इसको चेक करने के और भी तरीके होते हैं कि आपकी जो प्लेट सही खराब हो सकती है, वर्म में ये खराब हो सकती है, वर्म का स्प्रिंग है ये यहाँ पर लूज हो सकता है, लेकिन एक ये वाला पार्ट भी होता है। अब देखिए जैसे कि इस बाइक में प्रॉब्लम है कि जैसे मैं इसको हल्का सा यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ ना, हल्का सा ताकत लगा रहा हूँ तो ये अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको खोल कर कोई बड़ा खर्चा यहाँ पर नहीं करूंगा, जस्ट एक स्प्रिंग आता है आपकी बाइक में, इस तरह एक स्प्रिंग आएगा एक, आप जाना बाइक स्पेयर पार्ट वाली दुकान पे, वहां जाकर आपको कहना है बाइक की जो बैक ब्रेक है ना उसके रोड का स्प्रिंग देता है, वो इतना सा आपको स्प्रिंग दे देगा 10 रुपए का। इसको आपने जस्ट इतना सा काट लेना है, कितना काटना है आपको बताता हूँ। काट कर हमें इसको यहाँ पर इंस्टॉल करना होता है। अच्छा, मैंने आपको ये पूरा बताया कि आपने पट्टी कैसे खोलनी होती है, यानी कि जो प्लेट होती है ये वाली, ये खोल कर इसको कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। हम यहाँ पर जस्ट इसको इस मसल खड़ करेंगे, ये उंगली से पीछे जा रहा है, बहुत हल्का है यहाँ पर, बहुत लूज फील हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसके ये जो इसका ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये बीच में ऐसे लगा होता है, ठीक है। इसके बीच में हमने यहाँ पर ये स्प्रिंग लगा देना है, ये देखिए, ये यहाँ पर आपने इतना काटना है कि ये इससे थोड़ा सा बाहर आए, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, ये बाहर होना चाहिए इस तरीके से, ये बड़े आराम से प्लास्टिक काट जाता है। ये स्प्रिंग आपने जस्ट यहाँ कहना है कि हमें बाइक की जो बैक ब्रेक रोड है उसका हमें स्प्रिंग दे दें, इतना काट कर आपने जस्ट यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल टाइट होकर लग गया है। उसके बाद पीछे इसका लगता है कि स्क्रू यहाँ पर ऐसे लगा देना है, इसको टाइट कर देना आपने फोर साइड स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तब इसके पीछे जो है अच्छा खासा यहाँ पर एक स्पोर्ट बन गया, एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग की, जिससे जो आपका बड़ा खर्चा है वो बच गया है। आप जिनके पास पुरानी बाइक है ना वो ये छोटा स्प्रिंग ले 10 रुपए का आएगा, इसका हिस्सा काट कर पीछे लगाएं यहाँ पर, उसके बाद बाइक को चलाएं, आपको यहाँ पर बिफोर और एंड आफ्टर जो है वो रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो आपको जो पिकअप है वो काफी अच्छी देखने को मिलते हैं, छोटे जाकर बाइक जो है वो हाथ से निकलेगी। तो बस फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो, मेरा नाम है तैयब अजीज, आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।